साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं साथियों, और आज तक के आए हुए हैं रीट आरटेट के सभी प्रश्न इस एक ही वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो 2012 हो, 2015 हो, 2017 हो, जितने भी प्रश्न आज तक हिंदी शिक्षण विधियों के आ रखे हैं इस एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। लेवल फर्स्ट और लेवल टू सभी के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी के आए हुए प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम 2012 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख रहे हैं। 2012 में कुल 10 क्वेश्चन आए थे लेवल फर्स्ट में, और 10 क्वेश्चन आए थे लेवल सेकंड में। तो लेवल फर्स्ट के 10 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रुतलेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? श्रुतलेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, श्रवण लेखन या लेखन वाचल? चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा श्रवण और लेखन कौशल। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की, असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण या व्याकरण का कम ज्ञान? तो अशुद्ध वर्तनी का कारण कौन सा नहीं है साथियों? जलवायु यहाँ पर नहीं रहेगा कारण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, इनमें से सभी? तो साथियों, अच्छी परीक्षा में ये सभी आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और विभेदकारिता भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी का आचरण जानने में, इनमें से सभी? तो साथियों, मूल्यांकन उपयोगी है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर बोर्ड ने माना है वो माना है साथियों विद्यार्थी की प्रगति जानने में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला देखिए, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, माँ बाप से शिकायत या उसे दंड देंगे? चार विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भाषा है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार इनमें से भी रिपीट हो रहे हैं। अभी आप आगे देखेंगे 2015 2017 का पेपर। भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति या सहजात योग्यता? तो साथियों, भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण? तो बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है ये बताना है। तो रहेगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है प्रारंभिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नम्मा प्रश्न, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन? तो साथियों, भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली का जो है सबसे अधिक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है अवलोकन। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10, भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3, 10? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, भाषा कौशलों की संख्या 4 है, L S R W। सबसे पहले क्या आएगा साथियों? सुनना,
उसके बाद में आएगा आपका बोलना, उसके बाद में आएगा पढ़ना, और लास्ट में क्या आएगा साथियों, लिखना। तो ये चार भाषा के कौशल हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे वो 2012 में लेवल फर्स्ट में आए थे। अब जो हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 2012 के लेवल सेकंड के रहेंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए या साहित्यकार बनाने के लिए। तो साथियों भाषा की जो शिक्षा है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसको भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, गुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो साथियों लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ सीधी रेखाओं से होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है साथियों द्रुत पाठ है, कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन या साहित्य पुस्तक का अध्ययन। इसमें साथियों बोर्ड ने जो है उस समय बोनस दिया था, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द्रुत पाठ है, ठीक है साथियों। अगला देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण। तो साथियों शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आप सभी को पता है गद्य शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। 16वां प्रश्न है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। तो अधिगम की संपूर्णता साथियों इकाई योजना में होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। तो साथियों लेखन कला का जो विकास है वो अभ्यास करने से होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है अभ्यास से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से या मौखिक परीक्षण से। तो साथियों हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच जो है उपलब्धि परीक्षण से करते हैं। पहला क्वेश्चन सही आंसर, पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है साथियों, समग्र और सतत मूल्यांकन क्या है साथियों। समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी आवश्यक है या सतत मूल्यांकन से ही व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो साथियों राइट आंसर जो बोर्ड ने माना है इसमें, बोर्ड ने जो माना है इसमें बी, सी और डी तीनों सही आंसर माने, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही इसके आंसर सही माने गए हैं। तो चलिए साथियों ये 19वां क्वेश्चन हुआ। 20वां क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि आप शिक्षण विधि को स्थायी रखें। ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये 2012 लेवल 2 के 10 क्वेश्चन हमने देखे। अब हम 2015 के लेवल फर्स्ट के 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में सभी परीक्षाओं के जो प्रश्न है एक ही वीडियो में लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अब यहाँ से 2015 लेवल फर्स्ट के 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाटक लेखन। तो साथियों वाद विवाद यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो राइट आंसर रहेगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना जरूरी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपकी पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं करेंगे, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा।
अगला है साइट क्या है, SITE, साइट क्या है साथियों। साइट जो है मेरे प्यारे साथियों वो है उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है, रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। तो साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से निष्पक्ष मूल्यांकन होता है इसलिए उपयोगी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है। तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति जो है साथियों वो किस प्रकार के प्रश्नों में होती है, आप सभी को पता है निबंधात्मक प्रश्नों में जो है साथियों विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हो जाता है हो जाती है वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था, त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किसने किया था, मोरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम या क्रेतवाल। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ब्लूम, BS ब्लूम ने किया था साथियों, BS ब्लूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28वां, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या करते हैं साथियों, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है। चार विकल्प आपके सामने हैं, 2015 का लेवल फर्स्ट का पेपर चल रहा है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा साथियों क्या किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, उपचार सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में, यहाँ पर उपचार नहीं है साथियों उच्चारण है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, उच्चारण सुधारने का कार्य जो है वो प्रारंभिक कक्षाओं में हो जाना चाहिए साथियों, एक नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण, आगमन, निगमन, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 30 का। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। चार विकल्प, छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग, रचना शिक्षण, ए वे बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पाठ संसर्ग भी है, रचना शिक्षण उपागम ये दोनों ही है इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए 33, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या उक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दकोश का उपयोग भी करना चाहिए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाना चाहिए और शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो छात्रों के शब्द भंडार में निश्चित रूप से वृद्धि की जा सकती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो साथियों आगमन विधि के रूपों की संख्या आपको याद रखनी है, दो है, कितनी है, दो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा और रूपों की संख्या भी कितनी है साथियों, दो है। अगला देखिए, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही या कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है दोनों में ही, कक्षा के अंदर वे बाहर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 35 का। तो ये 2015 के लेवल फर्स्ट के अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चल रहे हैं साथियों ये क्वेश्चन जो है अब 2015 के लेवल 2 के 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद 2017 वाला पेपर देखेंगे। सह स्वर वाचन का अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त साधन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सामूहिक वाचन, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, मौन वाचन कब शुरू होता है, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा तीसरी कक्षा से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है, साइलेंट रीडिंग किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है, 2015 लेवल
टू का पेपर चल रहा है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, साइलेंट रीडिंग जो है साथियों वो ब्राइन की है, ब्राइन की रचना है, ब्राइन ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर करता है, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर या कोई नहीं। तो साथियों रेडियो की सीमाओं को दूर करने वाला जो श्रव्य साधन है वो आपका टेप रिकॉर्डर है साथियों, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है, लिंगवा फोन किसमें आएगा, दृश्य श्रव्य या कोई नहीं। तो साथियों लिंगवा फोन है, टेप रिकॉर्डर है, आपका रेडियो है, आपका ग्रामोफोन है, ये सारे के सारे श्रव्य उपकरण की कैटेगरी में आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाता है, वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या विषय परक परीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार का सवाल एक सवाल इनमें से डेली हर परीक्षा में आता है साथियों, शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो उसमें आता ही आता है। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए शिक्षण तैयार किया जाता है यदि वे उसकी पूर्ति कर रहा है तो उसे वेद परीक्षण कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है। उपलब्धि परीक्षण का जब निर्माण करते हैं तो समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है साथियों, 4 विकल्प, निर्णय संबंधी अशुद्धि को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना या उक्त सभी। तो साथियों उक्त सभी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा 42 का। 43वां है, CCE प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर मिलता है, ए फर्स्ट ग्रेड जो है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। तो साथियों CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में साथियों 91 में से 100 तक जो भी नंबर लाता है उसको ए फर्स्ट ग्रेड दी जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना या छात्रों की प्रगति का ज्ञान करना। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है साथियों, छात्रों का पिछड़ापन दूर कर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है साथियों, CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है, CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में की है साथियों, तो ये की है सत्र 2010-11 में, ध्यान रखना है साथियों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा 45 का। आगे बढ़ते हैं साथियों, भाषा में बिंब के प्रकार है, भाषा में बिंब के कितने प्रकार है साथियों। तो यहां पर जो है साथियों उस समय जो है बोनस दिया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिंब जो है 4 प्रकार के है साथियों, एक होता है श्रव्य बिंब, एक होता है दृश्य बिंब, एक होता है विचार बिंब और एक होता है भाव बिंब। तो साथियों बिंब का पूछे तो बिंब कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 4 यहाँ पर ऑप्शन नहीं था तो बोनस दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के हैं, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो इसका उत्तर रहेगा 4, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो LSRW में से बताना है, यही क्रम है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 47 का। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें साथियों। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उक्त सभी। तो ये सारे के सारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा साथियों। आपको और किस विषय के जो है साथियों
शिक्षण विधियों के या कौन से पेपर चाहिए कि पीछे के आए हुए सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवा दिए जाए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर या उक्त सभी प्रकार से। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी प्रकार से। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो साथियों रचना शिक्षण के मुख्य दो रूप होते हैं, आपको याद रखना है रचना शिक्षण के मुख्य दो रूप है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये 2015 के लेवल 2 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं 2017 की ओर। साथियों क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 2017 में या 2018 कह दें, इसमें जो रीट हुई थी इसमें लेवल 2 के 15 क्वेश्चन पहले देख रहे हैं, उसके बाद लेवल 1 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या अनुवाद। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा अब आप कमेंट करें कि उद्बोधन विधि का जो है उपभेद नहीं है। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा आपका अनुवाद, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, इसको आगमन विधि कर लें आप, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों भाषा संसर्ग विधि में जो है स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया, हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, आरसीईएम उपागम या मॉरिसन उपागम। तो मूल्यांकन उपागम जो है वो बीएस ब्लूम ने नवीन आयाम दिया है, बी दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयुक्त होता है, शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। विश्लेषण का मतलब है साथियों खंड खंड करना, क्या होता है खंड खंड करना, तो तोड़ना, तो यहाँ पर शब्द से वर्ण हो रहा है, बिल्कुल टूट रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। साथियों राइट आंसर आपका रहेगा प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली या मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये कह रहा है कि भाषिक सामग्री है। साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भाषिक सामग्री कौन सी है। साथियों तो यहां पर जो राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है शब्दावली, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य या कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड आप सभी को पता है साथियों, बुलेटिन बोर्ड जो है वो दृश्य सामग्री में आएगा, बुलेटिन बोर्ड दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित, मौखिक, आत्मनिष्ठ या परमापिकृत। तो साथियों विश्वसनीय परीक्षण कौन से होते हैं, परमापिकृत जो परीक्षण होते हैं साथियों वह ही विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 59 है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है पूछा है, विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। तो साथियों प्रश्नों की व्यापकता इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, जब एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते उसका आप किस प्रकार से उपचार करेंगे। तो साथियों 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें सीधी सी बात है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसका उपचार करेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कौन सा है, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान प्रश्न या व्याख्या प्रश्न। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिलान प्रश्न, जो है एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मौन पठन का क्या लाभ है साथियों,
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था पिछली बार। मौन पठन का क्या लाभ है साथियों? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। जी हाँ साथियों, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना मौन पठन का लाभ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। तो साथियों, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो आत्मनिष्ठा उसमें नहीं होनी चाहिए साथियों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना या व्याकरण सम्मत कार्य कराना। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, श्रव्य दृश्य साधन है। तो साथियों, इसको श्रव्य दृश्य साधन मान लेना, श्रव्य दृश्य साधन है। अब जो है रीट 2017 में जो लेवल फर्स्ट के जो 15 क्वेश्चन आए थे वो देखने वाले हैं। 2017 में लेवल टू में 14 क्वेश्चन ही पूछे गए थे जो हमने देख लिए हैं। श्रव्य दृश्य साधन है तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर चलचित्र हो जाएगा। आप सभी को पता है ये श्रव्य दृश्य की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, नाटक का संबंध किन ज्ञानेंद्रियों से है? मुंह से, कान से, मुंह वे कान से या आंख से। तो नाटक का संबंध जो है साथियों वह किस ज्ञानेंद्रियों से है? मुख वे कान से। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यहां पर आप साथियों, मुख नहीं है, आंख वे कान से है साथियों। आंख वे कान से, आंख से देखेंगे और कान से सुनेंगे, तो आंख वे कान से ऑप्शन था। करेक्ट आंसर आप तीसरा ऑप्शन मानेंगे, आंख वे कान। अगला देखिए, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है नियोजनात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक या संकलनात्मक। तो साथियों, ये क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर रहेगा संकलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं है शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य पुस्तक के प्रकरण या प्रश्नों के प्रकार। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा शिक्षक निर्मित सामग्री, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने, आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है साथियों? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये पीछे भी आ चुका है 2012-15 में भी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है, उसमें विश्लेषण पूछा गया था, तो लेवल फर्स्ट में संश्लेषण पूछ लिया। देखो कॉम्बिनेशन देखिए आप पेपर का, ऐसे ही पेपर बनते हैं साथियों। राइट आंसर रहेगा, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना छोटे से बड़े की ओर। तो वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। पहला आएगा वर्ण, उसके बाद उसको जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द, और बाद में बनेगा वाक्य। यदि यही विश्लेषण में पूछता तो इसका उल्टा हो जाता, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर, व्यास, उद्बोधन या खंडान्वय। तो उद्बोधन विधि राइट आंसर रहेगा, यह गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी, यह ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है कर्म, कबूतर, धर्म या प्रकाश। तो रेप संबंधी अभ्यास नहीं है साथियों, कबूतर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है साथियों? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या विनोबा भावे। तो साथियों, ये कथन जो है ये महात्मा गांधी का है साथियों। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्र दिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, महात्मा गांधी। अगला है साथियों, हर्बर्ट उपागम के पद है, हर्बर्ट उपागम में कितने पद है? 3, 5, 8 या 9। तो साथियों, हर्बर्ट की पंचपदी भी कहा जाता है, इसलिए आप सभी को पता है 5 पद है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। कितने पद है साथियों? 5 पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर, शिक्षण में इकाई संपत्ति किसकी देन है? इकाई योजना किसने दी? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन या हर्बर्ट। तो साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? इकाई संपत्ति जो दिया था साथियों, मॉरिसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा आपका, प्रश्न नंबर 75 का।
क्षेत्र नंबर देखिए भाषाई कौशलों सॉरी पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है साथियों? पुस्तक का आकार, प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द या प्राकृतन? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्राकथन। जी हाँ साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट है।